भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर किसानों को, अन्नदाता को, जो कि बहुत ही समझदार है, एक ऐसा देश जिसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, भाजपा की सरकार क्यों किसानों को समझाने में नाकामयाब है? क्यों उनको लगता है कि कांग्रेस बहका रही है और वो समझा नहीं पा रहे हैं? क्या उनके पास इतना बड़ा अमला वो ले रहे हैं? इसमें भी जो है किसान हमारा, हम लोगों किसान की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे और विपक्षी दल कर रहे हैं। जब इन्होंने ये अध्यादेश लेकर आए थे, उसमें जब अमेंडमेंट्स आई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने जो कहा था कि C2 फॉर्मूले के हिसाब से आप इनको प्रॉफिट दुगना होना चाहिए किसान का, किसान तो वहीं के वहीं खड़ा है, आप तो अपने प्राइवेट पार्टनर्स को, अपने दोस्तों को, उनको खुला रास्ता दे रहे हैं। APMC एक्ट जो है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, जो कि हरियाणा में भी चल रहा है, देश के कई राज्यों में चल रहा है, उसमें क्या है कि अगर किसान के पास निर्धारित एक जगह है, उनके पास मंडी है, जैसे हमारे झज्जर की जो है वो एक अनाज मंडी है, किसान को पता है कि मेरी इतनी फसल होनी है और जो फसल तैयार होगी तो मैंने जाना है और सरकार ने और आढ़तियों ने हमारी फसल खरीद लेनी है और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार ने जिस प्रकार से बहुत पहले बिहार में जो है इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था, आहिस्ता आहिस्ता मंडियों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो ख़त्म होता जाएगा। और इसमें पंजाब में हमारे यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ हरियाणा में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है? इससे पहले भी किसी को कोई रोक नहीं थी, कोई भी किसान अपना फसल जो है वो बाहर बेच सकता था, किसी भी दाम पे बेचे, वो तो केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ही वो मंडियों में आ रहा था। दूसरा, आप जो प्राइवेट मेंबर्स को लेकर आ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि हम प्रोक्योरमेंट की उनको दे रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं, क्या एम्पावर कर रहे हैं? प्राइवेट पार्टनर्स जो आ रहे हैं, आपने उनके लिए लाइसेंस का प्रावधान नहीं किया, आपने कोई स्टॉक की लिमिट नहीं की, इससे तो सस्ते दामों में वो किसानों से लेंगे और उसको स्टॉक करेंगे और आने वाले समय में वो महंगे दामों पर उसमें बेचने का काम करेंगे। हम अपने जवानों के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को मन की बात में किसानों के दर्द को सुनना चाहिए, उनको धक्काशाही नहीं करनी चाहिए। और प्रदेश के कृषि मंत्री, अगर इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने काम किए होते तो बादल की जनता उनको धूल थोड़ी ना चटाती। और अब प्रदेश में मुश्किल से ये जो सरकार चल रही है, इसमें बीजेपी के जो CPS हैं, श्याम सिंह राणा, उन्होंने इस्तीफा दिया और एक सेकेंड में मंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे परमिंदर डुल हैं और बहुत सारे और ऐसे विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं जो कि सरकार के खिलाफ लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने भी इन बिलों का, न केवल कांग्रेस पार्टी ने बल्कि दूसरे जो इनके समर्थक विधायक हैं वो भी इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मुख्यमंत्री जी तो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट कई बार देते हैं। यहाँ पर तो SC कमीशन का गठन नहीं है, यहाँ पर महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं या जो इनकी वाइस चेयरमैन है या दूसरे लोग हैं, स्वयं में तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज तो हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी जो है महिलाएं, वो भी सेफ नहीं है। कितने लोग हैं, एक IAS ने इस्तीफा तक दे दिया था कि मैं अनसेफ हूँ। तो हरियाणा प्रदेश में भी वही गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि यहाँ के जो कानून मंत्री हैं उनको तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। उनको तो केवल कभी राहुल गांधी जी नज़र आते हैं, कभी उनको कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। अरे 6 साल से आपके केंद्र में सरकार है, 6 साल की आप राज्य में सरकार है, पुअर परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर में पूरे देश भर में सबसे नीचे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का नाम है। उनको क्यों नहीं नजर आता कि ईज ऑफ डूइंग में हम सबसे नीचे चले गए हैं, जॉब्स देने में हम सबसे नीचे चले गए हैं, क्राइम में हम सबसे ऊपर जाते जा रहे हैं? ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम सरकार को किसी प्रकार की दादागिरी करने नहीं देंगे। हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी हमने इन मुद्दों को कॉल अटेंशन और अडजमेंट मोशन के रूप में लगाया है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी के नेतृत्व में, बहन कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आने वाले समय में जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और किसानों पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार और केवल कोरी घोषणाओं को लेकर, जैसा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी ने कहा है, आने वाला बड़ौदा का उपचुनाव जो होगा, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। नेता दुग्गल ने यह बयान दिया है कि अब की बार कांग्रेस बिल्कुल सभा हो जाएगी और आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार बनेगी और बड़ौदा चुनाव पर भी यही बोला। पिछला चुनाव भी सारे केवल ये मोदी जी के नाम पर जीत गए गलती से, लोग पछता रहे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में सारी की सारी सीटें बीजेपी को देने का काम किया, बीजेपी के सांसद कहाँ थे जिस समय ये अध्यादेशों पर चर्चा चल रही थी, अमेंडमेंट्स पर चर्चा चल रही थी? हरियाणा का एक भी सांसद ना पक्ष में ना विपक्ष में वहाँ पर बोला ही नहीं जाकर। और अब
क्या सुनीता दुग्गल, नायब सिंह सैनी का ले लें, रमेश कौशिक का ले लें, सुनीता दुग्गल का ले लें, एक भी सांसद, एक भी विधायक इनके मौजूदा जेपी दलाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर पुलिस के साए में जाते हैं। बड़ौदा के उपचुनाव में लोगों ने काले झंडे दिखाकर पीपे बजाकर उनका पूरा विरोध किया है। जब आप जो स्टेक होल्डर है जिसके पक्ष में आप कानून बना रहे हैं, अगर वही खिलाफ है तो आप क्या थोपना चाह रहे हैं इसमें? क्यों ये सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले जो लाभार्थी है, जिसके लाभ में आप कह रहे हैं कानून बना रहे हैं, जब वही विरोध में उतरा हुआ है? पूरे देश भर में इस समय किसानों में रोष है, क्योंकि किसान जो है हमारा, केवल किसान नहीं, मजदूर, किसान पर आधारित, कृषि पर आधारित जो जितने भी लोग हैं वो भी सब इसके विरोध में पूरी तरह से उतर चुके हैं। हरियाणा जो कृषि प्रधान प्रदेश है, हम इस प्रकार से अन्याय, जो कि हमारी किसान जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था हमारी पहले ही पूरी तरह से पूरे देश की चरमरा चुकी है, जीडीपी हमारी माइनस 23.9 हो चुकी है।